ज वेलकम बैक टू दैनल माई नेम्ना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप स्टडी वीजा पे या वर्क वीजा पर ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करने वाले हो तो आप अपने साथ क्या क्या चीजें ला सकते हो क्या चीजें अलाउड है क्या चीजें कंप्लीटली बैंड हैं और क्या चीजें आपको लानी चाहिए इसके साथ आप बात करेंगे बैगेज अलाउेंस के बारे में कि जो बैग्स आप अपने साथ लेके आ रहे हो उनका हाइट वेट सब कुछ कितना होना चाहिए एंड वो सारी चीजें सो लेट्स तो so क्या सबसे पहले बात करते हैं बैगेज की बैगेज यानी जो भी बैग्स आप अपने साथ लेके आ रहे हो तो आप कोई भी फ्लाइट करोगे ना उसमें मेनली लिखा होता है कि आपको दो बैग्स तो अलाउड है एक होता है आपका जो बड़ा वाला बैग होता है जिसको हम चेक इन बैग कहते हैं जिसका वेट ज़्यादातर फ्लाइट जो है मतलब ट्वेंटी के जीज अलाउ करती है कि ट्वेंटी के जी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कुछ अगर आपने थोड़ी सी महंगी या अच्छी फ्लाइट की है तो वो फोर्टी के जीज तक भी आपको अलाउ कर देते हैं तो ये तो हो गया आपका बड़ा वाला बैग इसके सिवा एक सेवन के का कैरी ऑन बैग अलाउड होता है और मुझे लगता है कि इसका वेट सारी फ्लैट्स का सेम ही होता है कि इसका जो वेट है वो सारा जो सामान है वो सेवन के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब जो सामान का वेट और बैग का वेट मतलब वो टोटल में होता है ट्वेंटी के ऐसा नहीं है कि बैग का वेट अलग से वो काउंट नहीं करेंगे वो पूरा जो मटेरियल है वो पूरा उतना होना चाहिए जितना उन्होंने आपको लिख के दिया है फ्लाइट की टिकट में या जो आपके पास पीडीएफ वगैरह आती है उसमें तो अब ये जो चेक इन बैग है ये आप जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करोगे ये तो आपको सबमिट कर देना होता है पूरी फ्लाइट के टाइम पे आप इसको टच नहीं कर सकते आप इसमें से कुछ भी सामान निकाल नहीं सकते कुछ इसमें वापस रख नहीं सकते ये आपको तभी मिलेगा जब आपकी पूरी फ्लाइट की जर्नी ख़त्म हो जाएगी जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे तभी आप, आपको ये बैग मिलेगा और ये जो कैरी ऑन बैग है सेवन के वाला ये पूरी फ्लाइट के टाइम पे आपके साथ रहेगा इसके सिवा हर फ्लाइट में आपको एक लैपटॉप बैग ले जाना भी अलाउड होता है लैपटॉप बैग का जो वेट है वो इस वेट में काउंट नहीं होता अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसको अलग से एक लैपटॉप बैग में कैरी कर सकते होते हो बट मेक श्योर कि लैपटॉप बैग में सिर्फ लैपटॉप ही रहे डॉक्यूमेंट्स रह सकते हैं आ, हम भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप बैग में ही लेकर आए थे जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ था एंड कहीं भी पासपोर्ट सी वगैरह की जरूरत पड़ जाती है तो वो चीज़ें हमें हैंडी रखनी थी तो कुछ पेपर्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें रख सकते हो तो लैपटॉप बैग का साइज इतना हो सकता है एंड इसमें सिर्फ मेक sure श्योर इसमें लैपटॉप ही देन अगर आप एक लड़की हो तो आपको इन सारे बैग्स के सिवा एक हैंड बैग भी लाना अलाउड होता है हैंड बैग का साइज मतलब इतने तक चल जाता है मैं यही बैग लेके आई थी अपने साथ इसमें भी आप कुछ सामान रख सकते हो इसका भी जो वेट है वो काउंट नहीं होता बैगेज अलाउेंस में और ये बैग भी आपके साथ रहेगा तो टोटल हो गए आपके पास चार बैग्स अगर आप लड़की हो एंड इफ यू आर अ बॉय यू आर अ गाय तो आप वही तीन बैग्स ला सकते हो आप हैंड बैग नहीं ला सकते आई थिंक थिंक बट वेट काउंट ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कुछ भी सामान भर लो क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो आपसे सामान निकलवा सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट एक्सीड हो रहा है कुछ मतलब यूजलेस सामान की वजह से एक्सीड हो रहा है तो जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं वो ही आप हैंड बैग वगैरह में रखना बाकी की चीज़ें आप अपने लगेज में ही रखना देन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप चेक इन बैग में क्या रख रहे हो और कैरी ऑन बैग में आ, क्या रख रहे हो तो जितने भी जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं नाइफ है नेल कटर है, है कुछ भी शार्प चीज़ें हैं अम्ब्रेला सॉर्ड वगैरह ऐसी सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लगेज में ही होनी चाहिए जिनको आप एक्सेस ना कर पाओ ये आप अपने साथ कैरी ऑन बैग्स में नहीं ले जा सकते तो वेट का तो चक्कर रहेगा ही कि जो फ्लाइट आपको कितना वेट अलाउ कर रही है उतना ही वेट अपने साथ कैरी करना थोड़ा सा कोशिश करना कि 300, 400 फोर ग्राम्स उससे कम ही रखो ताकि आपको एंड टाइम पे ऐसा ना हो कि वो मेजर कर रहे हैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है और आपको उस पॉइंट पे कुछ सामान निकालना पड़े बिकॉज बिकॉज एयरपोर्ट पे ना इतना रश होता है और इतना काम होता है कहीं से बोर्डिंग पास लेना है कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि अगर आप गलती से कुछ एक्स्ट्रा ले आए हो तो आप उसको वापस कहीं रखने जाओ कि भाई हमारे घर वाले आ जाएंगे ले जाएंगे तो इतना टाइम नहीं होता तो मेक श्योर sure करना कि थोड़ा सा मतलब जो मेन क्वांटिटी है उससे हल्का बहुत कम सामान लेके आओ जिससे थोड़ा सा वो बैलेंस आउट हो जाए देन जो आपको सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कैरी करनी है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अपने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सी ओ वीज़ा ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख लेना एंड इन सारी चीज़ों को तो नहीं बट जो पासपोर्ट और सी और जो वीज़ा की कॉपी है इन तीन चार चीज़ों को आप हैंडी रखना कि आपको किसी भी टाइम पे कभी भी एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ जाए तो आप मतलब दे पाओ उनको क्योंकि लगेज में अगर आपने सामान डाल दिया तो आपको एक्सेस नहीं होगी देन आई पर्सनली सजेस्ट कि जो भी आपका वीजा और सीओई है इसकी कॉपीज़ इसकी फोटो कॉपीज़ निकाल के अपने पास रखना कहीं भी अगर जरूरत पड़ जाती है तो आपके पास प्रूफ हो कि भाई ये मतलब इसके लिए हम जा रहे हैं मुझे प्रॉपर याद नहीं है बट आई थिंक डेली एयरपोर्ट पे हमसे हमारी वीज़ा हाँ डेली एयरपोर्ट पे हमसे हमारी वीज़ा की कॉपी ली थी वीज़ा या फिर सी या फिर दोनों की कॉपीज हमसे ली थी तो इनकी कई सारी कॉपीज़ रख लेना जब जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे सिम कार्ड भी लेना होगा लेना होगा सिम कार्ड लेने के लिए भी वीज़ा और सी की कॉपीज़ चाहिए तो इन दो तीन चीज़ों की जरूरत आपको हमेशा पढ़ने वाली है तो इनकी कॉपीज़ रखना ऑल ये मेल पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं पी वगैरह भी ले लेते हैं बट यू नेवर नो क्योंकि जैसे ही आप मतलब इंडियन एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे बाहर मतलब जब फ्लाइट चलेगी उसके बाद आपकी जो सिम की एक्सेस है नेटवर्क वगैरह वो सब चले जाते हैं और मतलब फिर वही वाई, वाईफाई ढूंढो इधर उधर वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो जो मेजर और मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आप अपने साथ हैंडी रखना अच्छा एक और चीज़ ये जो बैग्स हैं इनमें वेट का तो रहता ही है चक्कर कि जितना फ्लाइट अलाउ कर दिया उतना ही ले जाना साथ में डायमेंशंस का भी चक्कर रहता है कि वे जैसे कोई बैग है उसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट इतनी होनी चाहिए और उसकी विर्थ इतनी होनी चाहिए तो उसका भी बड़ा चक्कर रहता है कि उससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड स्पेस होता है तो जो एकदम जो लार्ज साइज़ के बैग्स होते हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के बैग्स होते हैं वो अलाउ नहीं होते थोड़े से मीडियम साइज़ के बैग्स चलते हैं ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो भी आपने फ्लाइट बुक की है वो कितना अलाउ कर रहे हैं अगर आपका सामान ट्वेंटी या फोर्टी के जी से ज़्यादा हो रहा है तो आप पैसे दे के उसको एक्सीड करा सकते हो उस टाइम भी करा सकते हो पहले भी करा सकते हो जो कि आई थिंक फाइव हंड्रेड इंडियन रुपीज़ पर केजी के जी के अकॉर्डिंग कुछ बढ़ता है बट ये जो डायमेंशन वाला चक्कर है ये आ, मतलब मैंने पता किया था मुझे इसका कोई प्रॉपर रास्ता मिला नहीं क्योंकि गलती से हमने एक बहुत ज़्यादा बड़ा बैग ले लिया था लार्ज साइज़ का बट बाद में पता लगा कि इसमें डायमेंशन की भी लिमिट होती है तो हमने कोशिश की थी जानने की फ्लाइट से भी बात की हर तरह से कि किस तरह से एक्सीड हो सकता है बट आई डोंट नो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड कर सकता है कि वो किसी सर्टेन केस में अलाउ कर दें बट आई थिंक नहीं होता अलाउड सो मेक श्योर कि जो डायमेंशन आपको अलाउड है आप उतना ही बैग मतलब उतने डायमेंशन का बैग पर करो अब बात करते हैं गाय सामान की जो सामान आपको लेके आना है तो अब बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स की कि खाने वगैरह का जो सामान है घी आटा वगैरह ये आप क्या क्या ला सकते हो सो so, आटा आप नहीं ला सकते आटा आपको लाना अलाउड नहीं है अगर ला रहे हो तो वो कॉमर्शियली पैकेज होना चाहिए बट वो भी कुछ सर्टेन कंट्रीज़ को अलाउड है कि अलाउड है कि अगर आपकी कंट्री एफ फ्री कंट्रीज़ में आती है तो आप ये सामान ला सकते हो बट हमारी जो कंट्रीज हैं जो भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वो उनकी लिस्ट में नहीं है तो हम लीगली ये सामान नहीं ला सकते तो आटा आपको लाना अलाउड नहीं है जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं घी हो गया बटर हो गया और चीज़ हो गया चीज़ हो गया ऐसा जो भी सामान है ये भी आपको लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है घर का तो आप बिल्कुल नहीं ला सकते कॉमर्शियली पैकेज लाना भी कुछ कंट्रीज को अलाउड है उसमें भी हमारी कंट्री नहीं आती तो ये सामान भी आप नहीं ला सकते राइस लाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है राइस आप बिल्कुल भी नहीं ला सकते चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो ऑयल लाना ऑयल लाना अलाउड है जो मसाले होते हैं जो कुकिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें उन्होंने लिखा हुआ है क्यूमिन जो जीरा होता है कोरिएंडर कोरिएंडर आई थिंक धनिया पाउडर होता है और जो मिर्ची वगैरह है ऐसी चीज़ें ये मसाले आप नहीं ला सकते तो इसके तो क्या नमक ही बचता है जो यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है तो मसाले भी मोस्टली मसाले आप नहीं ला सकते आपको अलाउड नहीं है लाना जो टी कॉफ़ी के पाउच वगैरह होते हैं पैकेट्स होते हैं एक जगह इन्होंने लिखा हुआ है कि आप पाउच ला सकते हो और एक जगह लिखा हुआ है कि नहीं ला सकते तो मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ड हूँ बाकी आपको लाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपका घी है मतलब इंडियन ब्रांड्स हल्दी रा, हल्दी के हल्दीरा हल्दीराम अमूल वगैरह के घी आपको मिल जाते हैं आटा आपको इंडियन आटा मिल जाएगा आसानी से मसाले वगैरह सब मिल जाएंगे मतलब जो भी इंडिया में प्रोडक्ट्स होते हैं ना मैगी पास्ता वास्ता जो भी होते हैं वो सब आपको मिल जाएगा ठीक ठाक रेट पे तो ये चीज़ आप ला भी नहीं सकते और ज़रूरत भी नहीं है देन uh, कुछ जो सामान होता है जैसे बिस्किट हो गए बिस्किट नमकीन पैक्ड जो फूड होता है कुछ फ्रूट ब्रेड टाइप का सामान होता है ये खाने की चीज़ें आप अपने साथ ला सकते हो यू आर अलाउड टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स बाकी मैगी नूडल्स पास्ता वगैरह ये चीज़ें भी आप ला सकते हो बट पास्ता तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सस्ता है मतलब शायद ये लोग पास्ता ही खाते हैं तो एक डॉलर से कम में भी पास्ता के पैकेट्स मिल जाते हैं तो डोंट वेस्ट मनी और वेट भी बढ़ेगा तो ज़रूरत नहीं है उसकी भी तो फूड प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे प्रोहिबिटेड हैं एंड इन चीज़ों की प्रॉपर इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है ए बी एफ डॉट जी ओ वी डॉट ए यू करके जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें देखी है तो आप प्रॉपर एक एक चीज़ को भी देख सकते हो वहाँ पे बट जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ ऐसे ही सो आई सजेस्ट कि जो थोड़ा बहुत सामान है ना कि अगर जब आप यहाँ पर आओगे तो एक दो दिन आपको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो बस उतना ही खाने पीने का सामान ले लेना ले कि थोड़ा सर्वाइव कर पाओ उसके बाद आप यहीं से ही खरीद लेना उसी में ही फायदा है अब बात करते हैं गाय कपड़ों की तो कपड़ों पे वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जितने चाहो आप ला सकते हो बट यहाँ पे 95 परसेंट जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ ब्लैक कपड़े ही अलाउड होते हैं ब्लैक टी शर्ट ब्लैक पैंट्स ब्लैक ट्राउजर्स ब्लैक बेल्ट ब्लैक शूज और कैप तो कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें टी शर्ट वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं बाकी ट्राउजर्स वग़ैरह आप, आपको अपने यूज़ करने होते हैं और कुछ में वो भी नहीं देते तो टी शर्ट भी आपकी अपनी होनी चाहिए कपड़े बाकी जो आप कॉलेज वगैरह के लिए ले रहे हो वो ठीक है बट ब्लैक कपड़े मेक श्योर sure कि आप एक्स्ट्रा स्पेयर्स में ले लो जीन्स ले लेना एंड ना एंड जीन्स पहनने भी कोई कंपलसरी नहीं होती आप ट्राउजर्स भी ले सकते हो जो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट होते हैं ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल वो पजामा सा लगे बट थोड़े से मतलब ठीक ठाक से ले लेना जॉब पर्पज़ के लिए ये मैं भी मतलब ट्राउजर से यूज़ करती हूँ जीन्स तो रोज़ रोज़ तो इतने टाइम नहीं पहन सकते सो मेक श्योर यू परचेज ब्लैक क्लॉथ्स ऑल्सो देन यहाँ पे फिलहाल चल रही है सर्दी जून जुलाई अगस्त तक बढ़िया वाली ठंड रहती है मतलब इतने की सुबह का जो टेम्परेचर है वो दो डिग्री तीन डिग्री तक चला जाता है तो मेक श्योर sure कि अगर आप जुलाई इनटेक में आ रहे हो तो आप यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से विंटर्स के कपड़े मतलब ज़्यादा लेके आना वार्मर्स इनर्स मफलर कैप जैकेट्स पफर्स समझ गए ना ग्लव्स भी ला सकते हो अगर जगह बची है तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होंगे आपके यूटेंसिल्स आपके बर्तन तो बर्तन सबसे तो पहली चीज़ तो यहाँ आके भी ले सकते हो बट कोशिश करना कि वहीं से ले आओ इंडिया में काफ़ी सस्ते मिलते हैं यहाँ पे मतलब एक कढ़ाई का जो प्राइस है छोटी जो कढ़ाई होती है पच्चीस से तीस डॉलर तक की होती है कितनी हो गई पता नहीं कर लेना मल्टीप्लाई तो ठीक मतलब मर्जी है ला भी सकते हो नहीं भी ला सकते अगर ला रहे हो तो मेक श्योर sure कि वो फ्लैट बेस वाली हो क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे घर मिलते हैं वो उनकी इलेक्ट्रिक गैस होती है फ्लैट सरफेस होता है तो जो कर्व वाले सरफेस वाले हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगे तो फ्लैट सरफेस वाले लेके आना तो जो भी नॉर्मल कुकिंग में यूज़ होते हैं कढ़ाई हो गया कुकर और करछी वगैरह स्पून प्लेट्स कटोरी और यही सारा सामान नाइफ जितना आप भर सकते हो अपने बीस किलो के बैग में और जितना आपको ज़रूरी लग रहा है वो सारी चीज़ें आप ला सकते हो बाकी मिल यहाँ पे सब कुछ जाएगा देन आती है आपकी मेडिसिन तो मेडिसिन लानी अलाउड है बिल्कुल अलाउड है बस प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश में होना चाहिए और मेडिसिन जो भी ज़रूरत की मेडिसिन है सर दर्द की बुखार की पेट दर्द की गैस की और क्या क्या बीमारियां होती हैं पेन किलर्स खांसी की जुकाम की जो भी जरूरी ज़रूरी है ये सारी रख लेना यहाँ की दवाइयों का पता नहीं क्या सिस्टम है बट मैंने यही सुना है कि यहाँ की दवाइयाँ सर उर कुछ ज़्यादा कुछ करती नहीं है और इमरजेंसी में हाँ एक ये भी है यहाँ पे कि जो फार्मेसी स्टोर्स वगैरह ना अगर आपको थोड़ी सी बीमारी हो गई तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको पास में कोई मिल जाएगा या फिर बहुत सारे स्टोर्स हैं मतलब सिर्फ एक फार्मेसी है वो भी थोड़ा सा दूर जाके एकदम स्टेशन पर ही है और वो भी बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं शाम को ऐसा नहीं कि वो देर रात तक खोलेंगे तो तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन कुछ भी होती है ना तो सीधा फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा रात में यहाँ पे कुछ नहीं खुलता तो ऐसी जो इमरजेंसी की मेडिसिन है वो अपने साथ लेके आना जो पिकल्स अचार सॉसेज वग़ैरह हैं ये कॉमर्शली पैक्ड होनी चाहिए अब आई डोंट नो हमारी कंट्री इसमें है या नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो नहीं होती बट हाँ आई एल सजेस्ट कि अगर आपके बैग में ऐसा कुछ सामान भी है ना जिसको लेके आप अनश्योर हो कि लाए हैं या ले जाना है नहीं ले जाना तो आपका क्या है ना कि आपको एक पैसेंजर कार्ड मिलता है जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो उसमें लिस्ट होती है सामान की और इसको आपको सीरियसली फिल करना है इसमें है कि सामान लिखा होगा कि अगर आपके बैग में है तो डिक्लेयर करो कि हाँ मैं लेके आया हूँ नहीं तो फिर आ, नो कर दो उसको तो अगर आपके बैग में जो भी सामान है ना वो आपको उसमें डिक्लेयर करना है अगर इन केस उन्होंने कोई ऐसी चीज़ आपके बैग में देख ली जब वो स्कैन करेंगे जो कि आपने डिक्लेयर नहीं की थी तो इट विल मीन कि आप इलीगली उस सामान को उस कंट्री में लाने की कोशिश कर रहे हो इस कंट्री में लाने की कोशिश कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दैम दिस इज़ अ क्राइम टेन थाउजेंड डॉलर्स तक का फाइन है टेन थाउजेंड डॉलर समझ रहे हो एक सेमेस्टर की फीस तो एयरपोर्ट पे ले लेंगे अगर ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई तो टेन थाउजेंड डॉलर्स तक का फाइन है डिपोर्ट करने तक का इन्होंने रिटर्न में दे रखा है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा इलीगली लाने की कोशिश करी और डिक्लेयर नहीं किया देखो अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसका मतलब तो यह है कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरे बैग में है तो तो ये उसको निकलवा देंगे निकाल के डिस्ट्रॉय कर देंगे वो बात वही खत्म अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया इट विल गो इलीगल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके डाउट्स भी रहते हैं मेरे केस में जिन चीज़ों को लेकर मुझे डाउट्स थे खाने पीने की कुछ भी चीज़ें थी तो वो मैंने रखी नहीं कि मतलब क्यों ही रिस्क लेना बेफालतू में सरदर्दी है देन यूटेंसिल्स में आपका जो बेलन होता है जो वुडन होता है तो जो वुडन आइटम्स है वो मेक श्योर करना कि वो पॉलिश्ड हो उसके ऊपर ना एक पॉलिश सी होती है ट्रांसपेरेंसी तो वो अलाउड है रॉ वुड जो होती है जो कच्ची लकड़ी होती है वो लाना अलाउड नहीं है तो ये चीज़ भी देख लेना देन आपके जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो आप ला सकते हो अलाउड है लाना आपको बट उसको लगेज में ही रखना आपका बड़ा वाला बैग है ना उसमें ही रख देना ट्रांसपेरेंट बैग में कि वो स्कैन हो पाए उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो लिक्विड्स यूजुअली रहता है कि 200 या आई थिंक 250 फिफ्टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो मेक श्योर sure करना कि कुछ भी अगर शैम्पू वग़ैरह है शैम्पू है ऑयल है कुछ भी तो ये छोटी बॉटल्स में हो ज़्यादा ना हो एंड उसको आप लगेज में रखना सोप शैम्पू ऑयल और जो भी ज़रूरत का सामान होता है कॉम वगैरह एंड वही चीज़ें खरीदना जो आपको लगे कि स्टार्टिंग में ज़रूरी है स्टार्टिंग से मेरा मतलब है कि जाते ही आपको दो तीन दिन में बिल्कुल इंस्टेंट इसकी जरूरत पड़ने वाली है आते ही शॉप पे नहीं भाग सकते है ना मार्केट नहीं ढूंढ सकते तो दो तीन दिन जिन चीज़ों की जरूरत है बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ही सामान रखना किसी भी तरह की सॉइल क्ले वगैरह ये आप नहीं ला सकते अगर आपके बैग में ऐसे शूज वगैरह हैं जिनपे मिट्टी लगी हुई है तो वो इसके लिए भी मांगते हैं कि आप डिक्लेयर करो अपने पैसेंजर कार्ड में अगर किस पे सॉइल लगी हुई है तो कोशिश करना कि नए शूज़ वगैरह ही लेके आओ बाकी जो पहन के आ रहे हो उस पर तो थोड़ी बहुत होनी है जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह होते हैं इसमें भी इन्होंने साइड पे एक जगह तो लिखा हुआ है कि मतलब अलाउड है डिक्लेयर कर देना और एक जगह लिखा हुआ है डोंट ब्रिंग मत लाना तो इसको लेके भी मैं कन्फ्यूज हूँ अगर आप ला रहे हो तो सील्ड पैक पैकेट्स में ही लाना खुले तो नहीं ला सकते देन किसी भी तरह तो के फ्रेश uh, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप नहीं ला सकते स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है लाइव प्लांट्स या एनिमल्स नहीं ला सकते सीड्स नहीं ला सकते अब जो दाल होती है दाल हम एक बार लाने का सोच रहे थे बट दाल भी मुझे लगता है कि शायद वो सीड में ही काउंट होती होगी मतलब तो मुझे नहीं पता अगर वो सीड में काउंट होती है तो वो मत लाना तो वही वाली बात है कि जो रिस्क वाली चीज़ें हैं वो मैंने खुद ही अवॉइड कर दी थी कि नहीं ले जानी बाकी बाकी दाल वगैरह तो यहाँ के लिए मिल ही जाएगी सब मिल जाएगा बाकी जो भी अगर आपको छोटी मोटी चीज़ों के डाउट हैं तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हो उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें अलाउड हैं ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं और ये चीज़ें अगर आपके बैग में है, तो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी देन बात करते हैं कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों की जो आपको लानी चाहिए वो सबसे पहले यहाँ के जो प्लग्स होते हैं वो अपने इंडिया वाले नहीं होते इनका अडेप्टर अलग होता है अलग होते हैं वो गोल वाले नहीं होते थोड़े ऐसे ट्रायंगल से होते हैं मैं दिखा दूंगी तो तरीका ये है अडेप्टर तो बदलोगे नहीं कोई फ़ायदा भी नहीं है तो तरीका ये है कि एक यूनिवर्सल अडेप्टर आता है आप ऑनलाइन ले सकते हो जो हर कंट्री में चल जाएगा या तो आप वो ले सकते हो या फिर एक्सटेंशन बोर्ड हम लोग लेके आए थे जो हमारे पास था एक्स्ट्रा तो ये एक्सटेंशन बोर्ड हम यूज़ करते हैं सारे सामान के लिए फ़ोन चार्ज करने के लिए लैपटॉप के लिए जो भी चीज़ है तो एक्सटेंशन बोर्ड भी ऐसा जो यूनिवर्सल हो गया कि किसी भी कंट्री में चल जाए ये चीज़ें भी आप ये चीज़ें आप ऑनलाइन ले सकते हो और ये बहुत ज़रूरी है देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने मिस की थी एंड मुझे लगता है कि लानी चाहिए वो है आपका पावर बैंक पावर बैंक में क्यों कह रही हूँ कि जब आप ट्रैवल करते हो ना जब आपने वहाँ से फ़्लाइट ले ली तो मिनिमम से मिनिमम 16, 17, 18 घंटे की फ़्लाइट तो आपकी होने ही वाली है और अगर उसमें ले हैं तो मतलब हमारी फ़्लाइट थी आई थिंक पूरे दो दिन या टू एंड हाफ कुछ इतनी थी मतलब बहुत लंबी फ्लाइट थी और और फोन के चार्जर्स जो होते हैं ना वो कहीं भी काम नहीं करते जैसे ले था इंडोनेशिया में मलेशिया में तो उनके वो ये अलग थे क्या कहते हैं प्लग्स वगैरह वो ये अलग थे तो हमारा अडेप्टर उसमें फिट ही नहीं हो रहा था तो एक टाइम के बाद जो फ़ोन बंद हो जाते हैं डेड हो जाते हैं पावर बैंक लाना बहुत ज़रूरी है बिना फ़ोन के तो क्या ही करोगे देन एयरपोर्ट्स आप ला सकते हो ले ही आना है सजेस्ट एयरपोर्ट्स तो काम की चीज़ है एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फॉरेक्स कार्ड अब भाई यहाँ पे इंडियन रुपीस तो चलने नहीं वाले नोट भी नहीं चलने वाले इंडियन रुपीस में आप ऑनलाइन भी नहीं पेमेंट कर सकते यहाँ पे चलेंगे डॉलर्स और अगर आपके ले ओवर्स हैं बीच में और तब आपको एयरपोर्ट से कुछ सामान खरीदना है तो वहाँ चलेगी उनकी करेंसी तो जो भी आपके पैसे हैं वैसे तो वो आप किसी भी एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो अब उसमें पता नहीं उनके कितने चार्जेस लगते हैं तो इन सारे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई सजेस्ट यू कि एक फॉरेक्स कार्ड बनता है फॉरेक्स कार्ड में वो आपको डॉलर्स वगैरह करके दे देते हैं फॉरेक्स कार्ड हमने बनवाया था कैनरा बैंक की किसी दिल्ली में कोई ब्रांच थी उन्होंने बना के दिया था लोकल ब्रांचेज में बनना उतना आसान नहीं होता वो नहीं बनाते जहां भी बनता हो वहां से एक फॉरेक्स कार्ड बनवा लेना और इनिशियल जब यहाँ पे पहुंच भी जाओगे वो तब भी आपका फॉरेक्स कार्ड काम करता है क्योंकि उसमें डॉलर्स होते हैं आप कहीं भी उससे पेमेंट कर सकते हो तो शूज़ आप हमेशा एक्स्ट्रा पेयर रख सकते हो शूज़ का मेक श्योर की जो आप शूज़ ले रहे हो एटलीस्ट एक पेयर तो ब्लैक हो क्योंकि ब्लैक के बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा एंड कुछ ऐसी भी जगह है कि भाई सोल भी ब्लैक होना चाहिए शूज़ पूरे ऊपर से नीचे तक ब्लैक होने चाहिए तो ब्लैक शूज आर मस्ट तो आई थिंक मैक्सिमम यही चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए इसके सिवा मुझे कुछ भी याद आएगा तो मैं कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी आप पूछ सकते हो आई होप इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपका वीजा अब तक आ चुका होगा कॉन्ग्रेचुलेशन इफ यूर गॉट योर वीजा इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग तो आप क्यों ही देख रहे हो गए बट अगर आप देख रहे हो तो वो क्या कहते हैं उसको बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इसी एनी टॉपिक्स पे होने वाली है कि फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था और फ़्लाइट के एक्सपीरियंस कैसा था बोर्डिंग पास वगैरह कैसे कलेक्ट करने होते हैं पूरी जर्नी में क्या प्रोसेस होता है क्या, क्या क्या करना होता है सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग